हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी के इस चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा का, इन दिस लिटरेचर के तहत फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के जितने भी 11 फॉर्म्स थे वो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। और आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के तहत हमारी फॉर्म्स जो ड्रामा है नंबर 2 द ट्रेजेडी, ठीक है। और इसके पहले जो थी द प्री एलिजाबेथन ड्रामा वो हम पढ़ चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं प्रीवियस लेसन में जाके, प्रीवियस वीडियो में। तो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के तहत आज हम अध्ययन करेंगे द ट्रेजेडी, और एक शब्द में हम इसे कह सकते हैं दुखांत नाटक या अनहैप्पी एंडिंग। ऐसा नाटक, ऐसा ड्रामा जिसकी एंडिंग कैसी होती है, अनहैप्पी, दुख जिसमें एंड में होता है। तो अब इसको हम देख लेते हैं क्या है। द ट्रेजेडी इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ गुड और ग्रेट मैन हु मीट्स हिज डूम एंड डेथ, अकाउंट ऑफ अ ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर। ट्रेजेडी एक इस तरह की स्टोरी होती है जिसमें कि एक बहुत ही अच्छे और ग्रेट मैन की क्या है, दुखद बातें दिखाई जाती हैं कि वो किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, किस तरह से उसके भाग्य में क्या परिवर्तन हुआ और क्या उसके जो ट्रेजिक फ्लॉ रहा, इसमें दिखाते हैं ट्रेजेडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। तो इसके साथ ही द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी इज ऑलवेज अ ग्रेट मैन। हीरो होता है ट्रेजेडी का, वो हमेशा एक ग्रेट मैन ही दिखाया जाता है इसमें। ही कैन बी अ किंग, वो किंग हो सकता है, प्रिंस हो सकता है और ग्रेट जनरल भी हो सकता है। हु हैज़ अ स्लाइट फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर, हिज दिस स्लाइट फ्लॉ बिकम द कॉज ऑफ हिज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड डेथ, ठीक है। उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो इमोशनल उसका फ्लॉ होता है, वही जो है एंड में उसका डेथ का और उसकी जो है पतन का कारण बन जाता है। उसके बाद क्या है ट्रेजेडी में, कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ अ ट्रेजेडी, मतलब कि जो इसकी ट्रेजेडी की रचना किन किन पार्ट्स से होती है, वो ट्रेजेडी के पार्ट्स हम देख लेंगे अभी। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है ये, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर आर 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ अ ट्रेजेडी। नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 कैरेक्टर, नंबर 3 थॉट, नंबर 4 डिक्शन, एंड नेक्स्ट 5, एंड लास्ट इज स्पेक्टिकल्स। तो ये जो है 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के कितने पार्ट बताए हैं, 6 बताए हैं इन्होंने। और ये प्लॉट है, इसमें से प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है पार्ट है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्शन। प्लॉट में ही सारे एक्शन दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन बाय एरिस्टोटल। भाई एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन दी है वो भी हम देख लेते हैं। ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन नॉट ऑफ मैन बट ऑफ एन एक्शन एंड ऑफ लाइफ, एंड लाइफ कंसिस्ट इन एक्शन। सो ही कंक्लूड दैट विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी, मतलब एक्शन के बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकती है। दिस मे बी विदाउट कैरेक्टर, कैरेक्टर के बिना हो सकती है, बट एक्शन होना ज़रूरी है। इस तरह से एरिस्टोटल ने ये बताया है। एंड ट्रेजेडी इज़ अ गिफ्ट ऑफ एंशियंट ग्रीक, जो प्राचीन ग्रीक थे वो वहाँ से जो है ट्रेजेडी का उद्गम माना जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के 2 टाइप्स होते हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी और द रोमांटिक ट्रेजेडी। देखिए क्लासिकल ट्रेजेडी में होता है हमारे ग्रीक पैटर्न्स पे आधारित होती है, रूढ़िवादिता होती है, पुराने परंपराओं को दिखा रहे हैं इसमें। क्लासिकल ट्रेजेडी फॉलो द ग्रीक पैटर्न, देयर आर 2 स्पेशलिटीज ऑफ द ग्रीक पैटर्न। 2 टाइप्स की इसकी जो है विशेषताएँ होती हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 ड्रामेटिक यूनिटीज, 3 तरह की ड्रामेटिक यूनिटीज इसमें दिखाई जाती हैं, यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कोरस हु एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स ऑफ द स्टेज एंड फर्दर टू एक्सप्लेन द मोरल बिहाइंड द वेरियस स्टेज ऑफ द प्लॉट। तो ये जो इसमें कोरस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कोरस बताते हैं कि क्या हुआ स्टेज के पीछे और फर्दर आगे अब क्या होगा, इस तरह से कोरस जो होते हैं बीच बीच में हमें कहानी के तौर पे गा गा के बताते रहते हैं बीच में, जो कि एक्टिंग चल रही है स्टेज पे, कैरेक्टर्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस कोरस भी जो है वर्णन बीच बीच में करते रहते हैं कि अब क्या होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है क्लासिकल ट्रेजेडी में। उसके बाद हमारे आती है द रोमांटिक ट्रेजेडी। द रोमांटिक ट्रेजेडी में फ्रेंड्स ये होते हैं आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंडली ग्रीक कन्वेंशन, ग्रीक कन्वेंशन के इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, इसमें कोई रूढ़िवादिता नहीं होती है। दे इंजॉय फुल फ्रीडम टू मेक देयर ट्रेजेडीज एज इफेक्टिव एज पॉसिबल बाय द पावर ऑफ देयर इमेजिनेशन एंड ड्रामेटिक स्किल। जो ड्रामाटिस्ट होते हैं, जो ट्रेजेडी लिखते हैं, जो राइटर, वो पूरे फ्री होते हैं लिखने के लिए, अपनी इमेजिनेशन इसमें डालने के लिए ट्रेजेडीज में, इस तरह के ड्रामा में, ठीक है। शेक्सपियर्स की जो ट्रेजेडीज है वो ज़्यादातर रोमांटिक ट्रेजेडीज में
ही आती हैं। ये तो होगा हमारे टू मेन टाइप्स की, क्लासिकल ट्रेजेडी और द रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी होती है कन्वेंशन, इसमें नहीं होते हैं ग्रीक कन्वेंशन, और जो क्लासिकल ट्रेजेडी होती है उसमें ग्रीक पैटर्न्स पे वो लिखी जाती है, रूढ़िवादिता उसमें होती है। अब हम अध्ययन करेंगे हमारे अदर टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, कौन कौन से इसके अन्य भी जो तरीके हैं, अन्य जो प्रकार हैं ट्रेजेडी के, वो हम देख लेते हैं। पहला तो हमारा है हॉरर ट्रेजेडी। हॉरर ट्रेजेडी स्पेशलाइज इन सीन्स ऑफ वायलेंस। देखिए हॉरर यानी कि डर। अब डर है, इसमें क्या दिखाते हैं इन ट्रेजेडीज में, वायलेंस दिखाते हैं, क्रुएलिटी दिखाते हैं, मर्डर्स दिखाते हैं, खून खराबा दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये होती है हॉरर ट्रेजेडीज। और वेबस्टर और जो फोर्ड है, ये जो ट्रेजेडी राइटर हैं, ये वेबस्टर एंड फोर्ड, इनकी जो ट्रेजेडीज़ हैं वो हॉरर ट्रेजेडीज टाइप के होते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि हॉरर ट्रेजेडीज़ स्पेशली कौन से राइटर हैं जो लिखते हैं, तो वेबस्टर एंड फोर्ड। नेक्स्ट जो हमारा है अन्य ट्रेजेडीज़ के टाइप में, वो है हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी डील्स विद द हीरोइक डीड्स एंड एक्सप्लॉइट ऑफ ग्रेट वॉरियर हीरोज। हीरोइक ट्रेजेडीज में जो है ग्रेट हीरो के जो है कार्य दिखाए जाते हैं। और इस तरह से ये ड्राइडन और जो ऑटवे हैं उन्होंने इस तरह की ट्रेजेडीज लिखी हैं, हीरोइक ट्रेजेडीज। नेक्स्ट हमारा शी ट्रेजेडीज, फीमेल ट्रेजेडीज होते हैं ये। इसमें जो सेंट्रल फिगर है, जो ट्रेजेडीज का जो ड्रामा का मेन फिगर है, मेन जो कैरेक्टर है, वो एक फीमेल होगा, ठीक है। इज द हीरोइन हु डोमिनेट द प्लॉट, जो पूरे प्लॉट को डोमिनेट कर रही है। नेक्स्ट हमारा है द डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक यानी घरेलू। तो ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी में दिखाते हैं फ्रेंड्स हार्ड ट्रेजिक लाइफ ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज। मिडिल क्लास फैमिली की जो कि दुखी लाइफ होती है वो दिखाए जाते हैं। देवर मोस्टली रिटन इन द 18th century। जो ड्रामेस्टिक ट्रेजेडीज थी वो ज़्यादातर 18वीं शताब्दी में लिखी जाती थी। इसके बाद हम देख लेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में कुछ टर्म्स भी होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे कि जो ड्रामा चल रहा है स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसमें बीच बीच में कुछ होता है, देखते हैं वो क्या है। कैथारसिस होता है, इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है, ऑन ह्यूमन हर्ट। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा जाता है। तो इस ये जो होता है सीधे ह्यूमन हर्ट पर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि द डेथ ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, उस जो ट्रेजेडी में जो ट्रेजिक हीरो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो पब्लिक है जो देख रही है या जो रीडर है जो पढ़ रहा है वो ट्रेजेडीज को, उनकी जो है फीलिंग्स पे भी असर होता है इसका। उनके जो फीलिंग्स आ जाती है, फीलिंग्स ऑफ पिटी, उनमें दया आ जाती है, फियर भी हो जाते हैं, डर भी आ जाता है। इस तरह से रीडर्स को ये जो है एक अलग स्थिति में, काम्स ऑफ माइंड की स्थिति में ये छोड़ देते हैं पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट हमारा है द हमार्टिया। हमार्टिया में क्या होता है, हमार्टिया इज़ द ट्रेजिक फ्लो। मैं आपको एक एक शब्द में बता दूं हमार्टिया, पहले तो ये है कि जो ट्रेजेडी है उसका जो मेन हीरो है उसके द्वारा की हुई गलती। ऐसा होता है कि शुरू तो वो कहानी जो शुरू हुई ट्रेजेडी की बहुत अच्छे से शुरू होती है, बहुत अच्छा चल रहा है, हीरो को दिखा रहे हैं भाई बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट एकदम से ट्रेजेडी आती है, दुख आता है। वो कैसे आता है कि जो हीरो है, जो चरित्र है, मेन कैरेक्टर है, उसके द्वारा एक गलती हो जाती है जो कि उसे पतन की ओर ले जाती है, ठीक है। तो हमार्टिया का मतलब होता है गलती करना। इज़ द ट्रेजिक फ्लो, ट्रेजिक फ्लो मतलब होता है कलंक जो है उसके ऊपर लग जाता है। इज़ अ ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर द हीरो, ठीक है, कैरेक्टर जो होता है हीरो का उस पर क्या आ जाता है, ट्रेजिक फ्लो आ जाता है, कलंक आ जाता है। द ट्रेजिक फ्लो इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फटल फ्लो, ठीक है। फटल फ्लो, ट्रेजिक फ्लो और हमार्टिया, ये तीनों एक ही शब्द हैं कि उसका एकदम गलती कर देना, उसके चरित्र पर दाग लग जाना। इज द कैरेक्टर ऑफ द हीरो बिकॉज क्यों होता है, इट लीड्स टू इज डूम एंड डेथ। यहीं से कहानी जो है दुख की तरफ बढ़ती है कि एकदम हमार्टिया ट्रेजेडीज का जो ड्रामा चल रहा है उसमें क्या होता है, एकदम उसके चरित्र पर दाग लग गया और यही कलंक, यही दोष है जो उसके ऊपर लगा है, घातक दोष, वही जो है उसको डूम यानी उसके अंत तक और उसकी मृत्यु तक उस कैरेक्टर को लेके चला जाता है। एंड इस तरह से जैसे बताया दुखांत एंड होता है, तो यहीं से शुरुआत होती है कि भाई उसने कोई गलती कर दी। द ट्रेजिक हीरो इज नॉट अ विलन, ही इज नॉट ओनली अ ग्रेट बट बेसिकली अ गुड मैन। जो ट्रेजिक हीरो होता है वो विलन नहीं होता, हालांकि यहाँ दिखा क्या बताया गया, गलती कर दी उसने, पर वो विलन नहीं है, ये यहाँ ध्यान रखना है हमको। ही इज नॉट ओनली अ ग्रेट, ग्रेट है और गुड भी है वो, बट यहाँ उसने गलती करी है, पर उसको विलन की तरह हम नहीं देखेंगे, यहाँ भी वो हमारा हीरो ही कहलाएगा, ट्रेजेडी है क्योंकि फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट हमारा है पेरिपेटिया। पेरिपेटिया का एक शब्द में जैसे कह लें कि भाग्य में एकदम जो परिवर्तन होता है, ठीक है, एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी आशा ना करी हो हीरो के साथ, तो मींस अ सडन चेंज इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से और सब बुरा हो गया, और फ्रॉम हाई टू लो, एकदम ऊंचाई से वो पतन की तरफ आ गया। इस तरह से ये होता है पेरिपेटिया, भाग्य चक्र में उसके परिवर्तन।
और अच्छे से बुरे में पहुंच जाना। इट प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ पिटी और फियर इन द हार्ट ऑफ द रीडर्स, जो रीडर्स हैं और या जो स्पेक्टेटर्स हैं, या तो हम देखिए रीडर्स इसलिए बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं या तो कोई ट्रेजेडी, शेक्सपियर की ट्रेजेडी हम पढ़ रहे हैं, मैकबेथ, हैमलेट, है ना, और स्पेक्टेटर यानी या तो हम स्टेज पे शो देख रहे हैं, तो यही है रीडर्स और स्पेक्टेटर की जो फीलिंग्स हैं उनमें पिटी और फियर की फीलिंग्स आ जाती है। और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ये जो पेरिपेटिया है इसको रिवर्सल ऑफ फॉर्चून यानी भाग्य में दोबारा से परिवर्तन भी कहते हैं, भाग्य चक्र में परिवर्तन। उसके बाद आता है हमारा कैटेस्ट्रोफ। कैटेस्ट्रोफ फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ड्रामेटिक डिवाइस पढ़ी थी, हमारे पहले जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था ड्रामा जिसमें हमने पढ़ा है, कैटेस्ट्रोफ द फाइनल एंड ऑफ ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटेस्ट्रोफ। जो ट्रेजेडी का एंड होता है उसे हम कैटेस्ट्रोफ कहते हैं। द हीरो और द हीरोइन, जो भी है मेन कैरेक्टर, हीरो हीरोइन या बोथ, मीट देयर ट्रेजिक डेथ, एंड में वो दुखी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऑन देयर डेथ द कर्टेन फॉल्स, और इनकी मृत्यु के साथ ही जो है पर्दा गिरा दिया जाता है स्टेज पर। उसके बाद हमारा क्या आता है, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, व्हेन आ ट्रेजिक हीरो रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ डिसेप्शन और इल्यूजन फॉर लॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन। कि मतलब उसको बहुत समय तक तो वो एक दुख धोखे में रहे, दुखी रहे, वो समय जो चल रहा है कि उसके मन में इल्यूजन चल रहा है, तो वो रिकॉग्नाइजेशन होता है। और इसको कह सकते हैं कि द डिसेप्शन और इल्यूजन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग और अदर सिचुएशन, और फिर उसी प्रॉब्लम्स के साथ साथ वो मिसअंडरस्टैंड भी हो जाता है और अलग गलत सिचुएशंस में पहुंच जाता है। द रियलाइजेशन ऑफ द फॉली और मिसअंडरस्टैंडिंग इज रिकॉग्नाइजेशन, और जब उसे अपना रियलाइजेशन होता है मिसअंडरस्टैंडिंग का, तो उसे वो कहता है रिकॉग्नाइजेशन मीन्स होता है पहचान करना, तो वो उस तरह से पहचान अपनी ले लेता है कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी। द हीरो इज अनेबल टू अंडू व्हाट हैज़ हैपेंड इन द कोर्स ऑफ टाइम, और इसके साथ ही वो ये भी इसलिए भी बिल्कुल अयोग्य होता है, इस काबिल नहीं बचता एंड में कि वो जो उससे गलती हुई है वो उसे अंडू कर सके या दोबारा से सुधार सके। यहाँ रिकॉग्नाइजेशन, उसको पता चल गया अभी उससे ये मिस्टेक हुई है, जो विल हमारा ट्रेजेडी का जो ग्रेट कैरेक्टर है, हीरो हीरोइन या बोथ हैं, यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है भाई उनसे ये मिस्टेक हुई है, बट इस तरह से ये ड्रामा प्रस्तुत किया जाता है कि वो इस काबिल अब नहीं रहे कि वो अपनी गलती सुधार सके। नेक्स्ट इसमें क्या है, पोइटिक जस्टिस। अब भाई पोइटिक जस्टिस में ये बताते हैं कि अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा और बुरा किया है तो बुरा होगा। तो पोइटिक जस्टिस जैसे कि नाम है न्याय इसमें दे रहे हैं, तो इस गिविंग ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट, रिवार्ड दे रहे हैं पनिशमेंट दे रहे हैं, इन प्रोपोर्शन टू वंस वर्च्यूज और इविल। भाई वर्च्यूज, अच्छे काम किए हैं तो रिवार्ड मिलेगा, बुरा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। इविल कैन नॉट एस्केप पनिशमेंट, सिमिलरली वर्च्यू डज नॉट गो अनरिवार्डेड। भाई ईविल को पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा और वर्च्यू यानी कि जो गुण हैं वो कभी बिना पुरस्कार हुए नहीं रह सकते, इस तरह से इसमें बताया गया है। उसके बाद जो इसका मेन जो है नेक्स्ट हमारा जो टर्म है ट्रेजेडी के टर्म्स जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो नंबर 7 पे जो ट्रेजेडी का टर्म है सोलिलोक्वी, इसको लाउड थिंकिंग भी कहते हैं। जैसे कि स्टेज पे उपस्थित है कैरेक्टर और वो ज़ोर ज़ोर से सोच रहा है पर बोल बोल के सोच रहा है कि ऑडियंस को पता चले, बट जो कैरेक्टर अदर स्टेज पर मौजूद है उन्हें नहीं सुनाई दे रही है वो बात उनकी। और सेम असाइड भी होता है, असाइड भी लाउड थिंकिंग ही होती है फ्रेंड्स, पर असाइड में ये होता है कि असाइड में जो कैरेक्टर है वो स्टेज पे खड़े होकर लाउड थिंकिंग कर रहा है, मन में बोल रहा है, और वो सीधे डायरेक्ट पब्लिक से ही बोल रहा है, ऑडियंस से ही बोल रहा है कि ऐसा ऐसा मैं करूँगा। उसमें भी सेम है कि और बाकी जो स्टेज पे खड़े कैरेक्टर हैं उनको ये सुनाई नहीं दे रहा है। इस तरह से सोलिलोक्वी और असाइड थोड़ी सिमिलर हो जाती हैं, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसकी बात है ड्रामेटिक यूनिटी, इट कंसिस्ट ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, ये इसमें दिखाए गए। तो ये हमारे सारे थे ट्रेजेडी के टर्म्स। और इसी तरह से एक शब्द में हम कहें तो ट्रेजेडी क्या है, अनहैप्पी एंडिंग, की एंड में उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाता है हीरो। अब देखिए फ्रेंड्स ये है हमारे ट्रेजेडी के कुछ ट्रेजिक ड्रामा और उनके ड्रामाटिस्ट किसने लिखे हैं ये, तो आप लोग आराम से इसको पॉज करिए और या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पेन पेज लेकर आप लिख भी सकते हैं। ये सारे हैं ड्रामास के नाम हैं और यहाँ उनके राइटर हैं, ठीक है। और जैसा कि है ये 1, 2, 3, 4 हो गए, उसके बाद ये 9 तक इधर है हमारे, थॉमस लॉज का ये कौन सा है, वाउंड्स ऑफ सिविल वार, बेन जॉनसन का है ये, ठीक है, कैटलाइन हिज कंस्पायरेसी, जॉन फ्लेचर का द मैस ट्रेजेडी, और ये जॉन बेबस्टर के हैं ये, जॉन फोर्ड ने ये ड्रामा लिखे हैं, थॉमस हेवुड, जॉन मैस्टोन, जॉर्ज चैपमैन,
इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ऑथर्स और उनके ड्रामा देख सकते हैं आप सारे अच्छे से, आप लोग पॉज करके लिखिए। और नेक्स्ट हमारा ये शेक्सपियर के, देखिए कितने सारे हैं शेक्सपियर के सारे ट्रेजेडीज़ जो है हमारी, रोमियो जूलियट, टाइमंस ऑफ एथेंस, ये सब अर्ली मिडिल एज की हैं। फिर उसकी जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, और रोमन ट्रेजेडीज़ कौन कौन सी हैं, हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज़ कौन सी हैं शेक्सपियर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। और नेक्स्ट है ये वाली जॉन ड्राइडन की जो है, जॉन ड्राइडन और मिल्टन की, ये सारे हीरोइक प्ले लिखे हैं जॉन ड्राइडन ने, और मिल्टन का एक ही है ये ट्रेजेडी सैमसन एगोनिस्ट। ये सारे हमारे ट्रेजेडीज़ जो हैं ट्रेजेडीज़ के एग्जांपल हैं। ट्रेजेडी हमने पढ़ लिया, इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ लिए, इसके टाइप्स भी पढ़ लिए, और एरिस्टोटल के हिसाब से, एरिस्टोटल के अनुसार इसके कितने पार्ट होते हैं वो हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स, उनके अनुसार इसकी परिभाषा पढ़ ली, और एग्जांपल सारे हमने पढ़ लिए। और इस तरह से ट्रेजेडी आज हमारी कम्प्लीट होती है। और नेक्स्ट जो हमारा लेसन बनेगा तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, देखिए उसमें हम पढ़ेंगे द मेलोड्रामा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बनेगा फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के तहत, वो होगा द मेलोड्रामा। फ्रेंड्स ट्रेजेडी थोड़ा जो चैप्टर था थोड़ा लेंथी हो गया है, और ये पर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।